नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी ओनी जो है आपका सैमसंग गैलेक्सी जेड इन्फिनिट का ऑनलाइन वर्जन, इसका टॉप फीचर्स। सो अगर आपको इस डिवाइस के बारे में जानना है तो देखते रहिए वीडियो। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको कोई भी ऐप बटन नहीं, नीचे से ऊपर करके आपका मेनू आ जाता है, मतलब आपका जो ऐप ड्रॉयर आ जाता है और ऊपर से नीचे करेंगे ऐसा आपका चला जाता है। लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉयर भी ऐड कर सकते हैं। ऐप ड्रॉयर का आइकन यहाँ पर प्रेस ऑन होल्ड कीजिए, होम स्क्रीन में चले जाइए, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ऐप बटन है। यहाँ पर जैसे आप दो ऑप्शन देख पा रहे हैं कि आपका शो ऐप बटन और उसके बाद हाई एड ऐप बटन। शो ऐप बटन करेंगे तो जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे हो जाता है। मैं अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद मैं कर देता हूँ बैक, और जैसे आप अभी देख पा रहे हो यहाँ पर आपका ऐप बटन आ गया है। सो मेरे पास है ओटीजी ड्राइव, तो जल्दी से देख लेते इस डिवाइस में आपको ओटीजी सपोर्ट करता है कि नहीं। जेड में हालांकि ओटीजी सपोर्ट किया था और अभी देखते हैं इसमें आपका करता है कि नहीं। तो मैंने ओटीजी ड्राइव कनेक्ट कर दिया है, और तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो मेरा जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पर आपका डिटेक्ट हो गया है। सो लेट मी ओपन इट अप, और जैसे आप देख पा रहे हो ओपन हो गया, तो मैं कोई भी एक वीडियो प्ले करता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये वीडियो आपका ओटीजी से प्ले हो रहा है, तो काफी आराम से यहाँ पर आप वीडियो प्ले कर सकते हो विदाउट एनी इशू। सो ओटीजी इज वर्किंग प्रीटी फाइन विदाउट एनी इशू। खाली ओटीजी नहीं, अगर आप चाहे तो एक्सटर्नल माउस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और खाली माउस ही नहीं, अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं। मैं जैसे वायरलेस यहाँ पर आपका माउस अटैच किया, जैसे आप देख पा रहे हो इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन, और लगभग आपका जो राइट क्लिक है वो भी आपका काम कर रहा है, जो बैक का काम करता है, एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे नीचे से ऊपर करने से आपका ऐप ड्रॉअर आ जाता है, ऊपर से नीचे करने से आपका नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। तो लेकिन आजकल के चाइनीज स्मार्टफोन में क्या होता है ना, सब होम स्क्रीन पे ही आपका सब कुछ रहता है, लाइक आपका एप्लीकेशन या फिर सब कुछ। अगर वो आपको करना है, सिंपली प्रेस एंड होल्ड कीजिए, यहाँ पर होम स्क्रीन का सेटिंग से जाइए, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज दिस होम स्क्रीन लेआउट। होम स्क्रीन लेआउट में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो होम स्क्रीन एंड ऐप स्क्रीन और होम स्क्रीन ओनली, होम स्क्रीन ओनली करके आप अप्लाई कर दो। मैंने जल्दी से अप्लाई कर दिया है, उसके बाद जैसे आप अभी देख पा रहे हो यहाँ पर आपका सभी चीज आ गया है स्क्रीन पे। तो नीचे से ऊपर करने से आपका सर्च ऑप्शन आएगा लेकिन ऐप ड्रॉयर नहीं आता है। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन हाइड करना है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं, सिंपली प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद होम स्क्रीन पे जाइए। यहाँ पर आपको नीचे देख पा रहे हाइड ऐप बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पर जाइए। जो भी एप्लीकेशन आपको पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एसफर्ट का 3 गेम मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया, उसके बाद बैक कर दिया, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो एसफर्ट का जो गेम है यहाँ से आपको चला गया, यहाँ पर नहीं है। फिर से अनहाइड करने के लिए वही सेम प्रोसेस, प्रेस एंड होल्ड, होम स्क्रीन सेटिंग्स, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा हाइड ऐप। यहाँ पर जो भी है उसको आप टिक करके अनटिक करके अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो एसफर्ट का ये जो गेम आ गया है, सिंपल। तो एप्लीकेशन हाइड करना काफी आसान है। कभी कभी क्या होता है, बड़ा स्क्रीन इस्तेमाल करना काफी दिक्कत होता है, मतलब वन हैंड ऑपरेशन तो काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो एक हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली ये जो होम बटन को आप 3 बार टैप कीजिए, तब यहाँ पर आप वन हैंड स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी छोटा हो जाता है। अगर आप लेफ्ट है, सिंपली यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में भी लाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज वेरी यूजफुल। अगर नॉर्मल स्क्रीन में जाना है, कहीं पर भी टैप कीजिए, आपका ऐसा हो जाएगा। तो सिंपली इसको एनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एडवांस फीचर्स बोल के एक ऑप्शन है, दिस इज एडवांस फीचर्स, और उसके बाद आपको मिलता है वन हैंड ऑपरेशन। सो ये रहा आपका वन हैंड मोड। वन हैंड मोड पे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक है आपका जेस्चर का ऑप्शन, दूसरा है आपका बटन का ऑप्शन। जेस्चर मतलब कुछ इस प्रकार से ऊपर से ऐसे स्वाइप करेंगे, ऐसे स्वाइप करेंगे तब आपका होगा, और बटन मतलब 3 बार आप प्रेस करेंगे तब आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो जेस्चर से बटन वाला ज्यादा कन्वीनियंट है, इसीलिए मैंने बटन वाला रखा। जनरली यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर से तो आप देख ही पाएंगे, लेकिन ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं गूगल मेल खोल लिया, जैसे यहाँ पर बहुत सारे हंड्रेड्स मेल्स हैं, या फिर कोई भी एप्लीकेशन जब आता है यहाँ पर एक डॉट आ जाता है, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज शो नहीं करता है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको नंबर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे मैं अगर जीमेल खोलता हूँ, तो अगर मेल में अगर 50 मेल है जो हंड्रेड है, यहाँ पर शो करेगा 50, या फिर अगर फेसबुक कोई नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर शो करता है। तो ये डेफिनेटली काफी अच्छा चीज है। उसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा प्रेस एंड होल्ड करके होम स्क्रीन सेटिंग्स पे, उसके बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है विच इज ऐप आइकॉन। यहाँ पर जाने के बाद जैसे यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो ऑप्शन है, शो विद नंबर, शो विदाउट नंबर। जैसे अभी विदाउट नंबर है तो मैं अगर शो विद नंबर कर देता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा। शो विदाउट नंबर अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉट आता है, तो शो विद नंबर करके मैं इसको बैक कर देता हूं। उसके बाद से आपका जब भी कोई भी मेल आएगा तो यहां पर आपका नंबर शो करेगा कि इतना सारा मेल्स आपका बाकी है दैट यू कैन रीड। तो ये भी काफी एक बढ़िया ऑप्शन है, डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट आउट।
आजकल के दिनों में डुअल एप्लीकेशन काफी ज्यादा इस्तेमाल है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक दो इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है जो काफी यूजफुल है, तो अगर आप चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं डुअल एप्लीकेशन। सिंपली ऊपर से नीचे कीजिए, उसके बाद जाइए आप सेटिंग्स पे, उसके बाद एडवांस एंड फीचर्स में आप चले जाओ। यहाँ पर आपको मिलता है डुअल एप्लीकेशन का ऑप्शन, कहाँ गया डुअल मैसेंजर। तो डुअल मैसेंजर ऑप्शन में जो जो एप्लीकेशन यहाँ पर सपोर्ट करता है तो यहाँ पर शो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल है तो शो कर रहा है। सिंपल इसको ऑन कर दीजिए, उसके बाद आपको कर दीजिए इंस्टॉल, नेक्स्ट, टर्न ऑन। तो जो भी है यहाँ पर आपका जो डुअल मैसेंजर धीरे धीरे ऑन हो रहा था, इट विल टेक आई थिंक कपल ऑफ सेकंड्स, तो उसके अंदर ये आपका ऑन हो जाता है। सो जैसे आप देख पा रहे डुअल मैसेंजर ऑन हो गया है, और मैं जल्दी से आपको करता हूँ शो कहाँ गया मेरा डुअल मैसेंजर। तो मैं इसके लाता हूँ होम स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ऐसे। तो जैसे आप देख पा रहे हो दो फेसबुक है, ये आपका ओरिजिनल फेसबुक है, ये आपका डुप्लीकेट फेसबुक मतलब कॉपीड फेसबुक है जो डुअल मैसेंजर है। और जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका नंबर भी आ गया। सो इस टाइप से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं डुअल मैसेंजर, तो उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो ये डेफिनेटली काफी यूजफुल फीचर है, मैं तो इसको एवरीडे इस्तेमाल करता हूँ। So, अगर आप एक हाथ से फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेविगेशन बार को ऊपर से नीचे करना काफी मुश्किल है, तो एक शॉर्टकट है कैसे, सिंपली अगर आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो फिंगरप्रिंट स्कैनर से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, विच इज समटाइम्स प्रीटी इजी। सो आप सिंपली ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे दो बार तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सिंपली इसको इनेबल करना काफी आसान है, मतलब आपको सिंपली जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडवांस फीचर्स। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो फिंगरप्रिंट जेस्चर बोल के एक ऑप्शन है, तो फिंगरप्रिंट जेस्चर को आप कर दीजिए, जैसे ऑन है अभी, मैं फिर से आपको ऑन कर दे रहा हूँ। उसके बाद सिंपली आप ऊपर से नीचे कीजिए और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो ये फीचर काफी यूजफुल है मेरे हिसाब से। इस डिवाइस में आपको मिलता है काफी लंबा चौड़ा डिस्प्ले, उसकी वजह से मल्टी विंडो करना काफी आसान हो जाता है। इस डिवाइस में मल्टी विंडो और पॉपअप विंडो दोनों हैं। अब ये पॉपअप चीज क्या है, कुछ बाहर निकल गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको इनेबल कहां से करना है। सिंपली आप सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस फीचर में जाएंगे तो यहां पर आपका मल्टी विंडो का ऑप्शन है, उसके नीचे जैसे आप देख पा रहे हो पॉपअप विंडो का भी ऑप्शन है। सो लेट मी टर्न इट ऑन, तो दोनों चीज मैं यहां पर कर देता हूं। अभी आपको करना कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहां पर आप मल्टी टास्क में जाएंगे तो जैसे आप देख पा रहे यहां पर इतना सारा एप्लीकेशन खुला है। अभी मल्टी विंडो करने के लिए सिंपली आपको कहां पर जाना पड़ेगा, आपको कोई भी एप्लीकेशन का ऐसे प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फिर नीचे इस जो भी एप्लीकेशन है उसको टैप कीजिए, तब यहां पर आपका मल्टी विंडो इनेबल हो जाता है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो मल्टी विंडो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ऊपर से इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे जैसे आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो एक ऑप्शन है जहां से आप मल्टी विंडो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और एक ऑप्शन है जहां से आप पॉपअप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जो भी चीज आपको चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ लीजिए मुझे ये प्ले स्टोर चाहिए, मुझे पॉपअप, सिंपली उसको प्रेस कीजिए, ऊपर लेके जाने से आपका मल्टी विंडो होगा, नीचे लेके अगर यहां पर आप छोड़ देते हैं तब ये हो जाएगा आपका पॉपअप स्क्रीन। खाली एक ही नहीं, आप यहां पर मल्टीपल पॉपअप स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक से और यहां पर आपका लेके आ जाता हूं। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका पॉपअप स्क्रीन चल रहा है, ऐसे दाएं बाएं मैं इसको कर सकता हूँ, उसके बाद मैं चाहे तो इसको मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ। तो ये पॉपअप स्क्रीन तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ मल्टीपल कितना सारा पॉपअप यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तो हो गया है और मैं देखता हूँ यहाँ पर आपका और कितना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ये वाला पॉपअप में आता है, नहीं ये वाला पॉपअप में सपोर्ट नहीं करता है। गैलरी पॉपअप में सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो एप्लीकेशन में एट ए टाइम इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके साथ साथ बाकी अगर मुझे कुछ भी चीज़ काम करना वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये सिंपली एक छोटा सा ट्रिक है, डेफिनेटली दैट यू कैन ट्राई आउट। मैंने जैसे पॉपअप एप्लीकेशन के बारे में बताया, यहाँ पर आपका पॉपअप वीडियो मतलब फ्लोटिंग वीडियो का भी ऑप्शन है। सिंपली कोई भी अगर आप वीडियो प्ले करते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है विच इज दिस। तो इससे क्या होगा, अगर आप कोई भी काम करते हैं सिंपली उसके काम करते करते आप सिंपली ये जो वीडियो है ये आप देख पाएंगे, इसको आप दाएं बाएं कहीं पर भी कर पाएंगे, तो जो डेफिनेटली काफी अच्छा एड ऑन है। डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस आउट। अनफॉर्चुनेटली सैमसंग के बहुत सारे डिवाइसेस में आपको सेंसर्स नहीं मिलता और इस डिवाइस में भी वैसा ही कुछ दिक्कत है। यहाँ पर आपको लाइट सेंसर नहीं मिलता तो आपको मैनुअली यहाँ पर आपको लाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा और धूप में जाने के बाद भी कभी कभार एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन धूप में जाने के बाद या फिर अगर आप बाहर घूम रहे हैं सिंपली बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन विच इज आउटडोर ऑप्शन। सिंपली ऐसे टैप कीजिए, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो आउटडोर मोड है, इसको अगर आप इनेबल कर देंगे, जैसे अभी शायद आप लोग स्क्रीन पर कुछ भी नहीं देख पा रहे बिकॉज इट इज प्रीटी ब्राइट इनफैक्ट, और लेवल आपका वही रहता है लेकिन आपका जो ब्राइटनेस है उसको बहुत ज्यादा कर देता है। तो आउटडोर ऑप्शन आप इस्तेमाल कर पाएंगे एंड व्हिच रियली हेल्प्स यू टू विजिबल द स्क्रीन इन आउटडोर कंडीशंस, व्हिच रियली ग्रेट। यहां पर एट ए टाइम
एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं एट ए टाइम, आप बहुत सारे एप्लीकेशन को एक ही बार में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, सिंपली यार कोई भी एप्लीकेशन को प्रेस एंड होल्ड करो, उसके बाद जैसे मैंने बताया था ना 3D टच है, तो यहाँ पर जैसे आपका एक ऑप्शन आता है क्या था, एक तो अनइंस्टॉल एड टू होम या फिर सिलेक्ट ए फोल्डर। तो सिंपली फॉर एन एग्जाम्पल सॉरी सिलेक्ट आइटम एक्चुअली, तो सिलेक्ट आइटम अगर मैं कर देता हूँ टक 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 टक, चलो चार पाँच छः एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने टिक कर दिया, उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो मैं एट ए टाइम या तो मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ क्लिक करके सबको एक साथ, या फिर एक क्रिएट फोल्डर कर सकता हूँ, मतलब सभी एप्लीकेशन एक फोल्डर में चला जाएगा। सो ये वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉलेबल नहीं है, तो वो सब एप्लीकेशन का अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जो जो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं ऑफिशियली मतलब फोन के हिसाब से, वही सब आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और एक फीचर के बारे में मुझसे बहुत पूछा गया, वो है आपका स्क्रीन शेयरिंग। एक्चुअली क्या होता है ना इस डिस्प्ले में, मतलब सैमसंग में स्मार्ट शेयरिंग रहता है, वो चीज़ स्मार्ट व्यू ऑप्शन। तो सिंपली आप ऊपर से नीचे ऐसे नीचे लाइए, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो स्मार्ट व्यू का ऑप्शन है, तो स्मार्ट व्यू का ऑप्शन में जब भी आप टैप करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो सिंपली मेरा जो टीवी है टीवी से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, टीवी मुझे अलाउ करना है, जब भी मैं टीवी को अलाउ करूँगा ये वाला कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहे तो अपने स्क्रीन को अपने स्मार्ट टीवी से जहाँ पर आपका ऑलरेडी क्रोमकास्ट या फिर मीराकास्ट अवेलेबल है तो उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अ प्रीटी गुड एड ऑन। अगर कोई भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते करते आपको उसको छोटा करना है यहाँ पर कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे हैं अमित ये क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन कैसे छोटा करें? फॉर एन एग्जांपल अगर आप प्ले स्टोर खोल के है, इसको आपको मिनिमाइज नहीं करना, छोटा करके स्क्रीन के कॉर्नर रखा है, सिंपली कॉर्नर से ऐसा आप नहीं कहाँ से ऐसे आप स्वाइप कर लीजिए, जैसे आप देख पा रहे हो जितना भी बड़ा आपको करना है वैसे ही आप कर सकते हैं, वहां पर जाके छोड़ दीजिए। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है ना ये हो गया आपका पॉपअप विंडो की तरह, जो आपका हो गया एकदम छोटा, तो आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई भी एप्लीकेशन के साथ आप कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद एडवांस फीचर्स, उसके बाद मल्टी विंडो, और उसके नीचे आपका पॉपअप व्यू एक्शन। तो इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे, जो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस डिवाइस में आपको मिलता है काफी बड़ा डिस्प्ले, विच इज 18:9.5 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले, काफी अजीब डिस्प्ले है, और मैक्सिमम एप्लीकेशन 16:9 सपोर्ट करता है, तो उसके वजह से हो सकता है बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें सपोर्ट ना करे, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको एनेबल करके आप कोई भी एप्लीकेशन 18:9.5 में चला सकते हैं। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज फुल स्क्रीन ऐप। अभी ये फुल स्क्रीन ऐप में जाने के बाद जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है और ये सब ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऑन है, मतलब ये सभी एप्लीकेशन आपका 18:9.5 में चलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कुछ एप्लीकेशन मिलेगा जो आपको नहीं चलता है, जैसे ये सब एप्लीकेशन जनरली नहीं चलता है, इसको बाद में इनेबल किया गया है, तो यहाँ से आप वो सब एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन या फिर विदाउट फुल स्क्रीन इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई भी एप्लीकेशन फुल स्क्रीन नहीं चल रहा है, सिंपली यहाँ पर आइए देख लीजिए वो इनेबल या डिसेबल है, अगर डिसेबल है तो उसको इनेबल कर दीजिए, वो एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में चलेगा। इस डिवाइस में आपको मिलता है ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन, लेकिन अच्छा चीज है अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तब ये ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन को हाइड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एन एग्जांपल मैं प्ले स्टोर में खोल दिया, अभी जैसे आप देख पा रहे हो खोलने के बाद यहाँ पर एक डॉट आ जाता है, ध्यान से देखिए, अगर मैं होम स्क्रीन में रहता हूँ यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं है, लेकिन मैं कोई भी अगर एप्लीकेशन के अंदर घुसता हूँ तब यहाँ पर ये डॉट आ जाता है। डॉट का काम क्या है, अगर आप डबल टैप करते हैं ये ऑटोमेटिकली नीचे से हाइड हो जाता है, नीचे से ऊपर करेंगे तब ये आ जाएगा, अगर आप ऊपर से नीचे करेंगे ये नीचे चला जाएगा, मतलब अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर से अगर आप मैं होम स्क्रीन में आता हूँ तो होम स्क्रीन में वो वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐप के टाइम में वो वाला ऑप्शन है, तो इसको आप इनेबल डिसेबल सिंपली वही तरीके से कर सकते हैं, इसको डबल टैप कीजिए वो आपका इनेबल हो जाएगा, फिर डबल टैप कीजिए ये इनेबल हो जाएगा एक्चुअली, और फिर से डबल टैप कीजिए एक्चुअली डिसेबल हो जाएगा। तो जो भी है इनेबल डिसेबल का पंगा आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे भी आपको जरूरत है वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था इस डिवाइस में आपको मिलता है ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन, और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी आप कैसे कस्टमाइज करेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिंपली सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है नीचे एकदम नेविगेशन बार का ऑप्शन। नेविगेशन बार में जाने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो पर बहुत सारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जो है रीसेंट होम बैक या फिर बैक होम रीसेट, तो जैसे भी आप करना चाहते हो उसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आप जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्या कर सकते हैं, ये जो कलर है इसको आप चेंज कर सकते हैं, एकदम लाइट यहां पर कलर है, तो जो भी कलर आपको पसंद है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो मुझे हल्का सा ब्लूइश कलर अच्छा लग रहा है तो मैं उसको रख सकता हूं। तो नेविगेशन बार को भी आप अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं।
अभी आप अचानक से सोच रहे हैं स्क्रीन का क्वालिटी ऐसा कैसे हो गया, सब येलो कैसे हो गया? नहीं नहीं आप टेंशन लेने का बात नहीं, एक्चुअली इसको आप बोल सकते हैं रीडिंग मोड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ब्लू फिल्टर मोड। सो ब्लू लाइट मोड यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है जहां से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, एकदम नोटिफिकेशन बार में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको डिटेल्स में उसको चेंज करना है, सिंपली मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, उसके बाद यहाँ पर ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन है, इसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं, उसके बाद उसका जो ओपेसिटी है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, ज्यादा चाहिए कम चाहिए जो भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप शेड्यूल में भी रख सकते हैं, कब आपको चाहिए कब आपको नहीं चाहिए, सनराइज में चाहिए सनसेट में चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम मुझे नहीं चाहिए, मैं बंद कर देता हूं, तो ये भी ऑप्शन यहां पर आपका अवेलेबल है जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। खाली ये नहीं, डिवाइस में आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले का जो टोन है वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिंपली सेटिंग्स और डिस्प्ले, और यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन एडाप्टिव डिस्प्ले मोड। तो यहाँ पर आपको काफी सारा मोड मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हो एडाप्टिव डिस्प्ले, एमोलेड सिनेमा, एमोलेड फोटो, बीसी, तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको कलर पसंद है, एमोलेड सिनेमा, एमोलेड फोटो, जो भी आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि एमोलेड डिस्प्ले थोड़ा बहुत तो कस्टमाइजेशन बनता है, सो यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जब ये फोन का ऐड दे रहा था, चैट और वीडियो के बारे में बहुत कुछ बोला गया, मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ओवर द एट द टाइम ऑफ प्लेइंग गेम्स और वीडियो आप चैट कर सकते हैं। सिंपली उसको इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पर आपका है एडवांस और फीचर्स, और उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो चैट ओवर वीडियो, तो सिंपली इसको आप ऑन कर देंगे, तब जब भी कोई आप गेम खेलेंगे या फिर वीडियो देखेंगे उस टाइम में अगर कोई चैट आता है तो वहां पर आप शॉर्ट स्ट्रीम करके इसको आप चेक कर सकते हैं या फिर उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा फीचर है। इस डिवाइस में आपको मिलता है सैमसंग पे मिनी का सपोर्ट, मतलब एक अनफॉर्चुनेट थिंग है कि इसमें तो आपको एनएफसी मिलने वाला है नहीं, तो आप जनरली स्कैन करके सब कुछ पे कर सकते हैं और अपना पेटीएम या फिर दूसरा कुछ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, तो सैमसंग पे मिनी का सुविधा आप उठा सकते हैं। लेकिन इतना रिक्वेस्ट है सैमसंग से, 70-1800 रुपये आपको ले रहे हो, तो एटलीस्ट एनएफसी तो वो लोग दे ही सकते हैं। या जियो फोन में एनएफसी है, 150 रुपये का फोन, 17,000 में तो एनएफसी दे ही सकते वो लोग। सो गाइस, ये था आपका कुछ बेस्ट एंड टॉप स्पेशल फीचर्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी O8। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया, मतलब अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, लाल वाला बटन दबा दीजिए जो है आपका सब्सक्राइब का बटन, वो एकदम फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता। और अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानना है, डेफिनेटली देखते रहिए डेटा डॉग, क्योंकि मैं वो सभी चीज़ के आंसर और वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी पोस्ट करूंगा। इसका कैमरा भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया ये सब वीडियो, क्योंकि फोन जो रिप्लेस हो गया है, क्योंकि पहला जो मैंने ऑर्डर दिया था तो वो खराब निकला थोड़ा, मैं दो वीडियो के बाद कर नहीं पाया, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया इसका रिव्यू आने में, तो रियली सॉरी फॉर दैट। और फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और जी हाँ ऐसा ही कुछ है। और इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।